Okay, we will start our class. Siren children. Okay. You listen carefully. When I ask you to open your mic and video, at that time only you open it. Okay. Otherwise, I will ask you from here only. Sairam, ma'am. Sairam. Sairam to all. Aditya, Aro, Daksh, Dimyanshi, Gati, Kanishka, Karnika, Kianshi, Kritika, Ojas, Pratyot, Purvansh, Ritesh, Shivansh, Suryapratap, Yashi, Yoganshi. All of you, you are welcome to this class today. So we will start with reading. We have done, but if you have any doubt, you can ask me for 5 minutes. After that, I will show you one PPT questions for practice, okay, for the coming exams. आने वाले exam के लिए हम जिस टाइप से questions डालेंगे उसका एक छोटा सा practice हम lesson 4-5 तक जो देंगे उसको आप कीजिएगा. फिर worksheet अलग से grammar का हम देंगे एक दो, फिर एक दो Google Meet का भी हम करेंगे, ठीक है. अभी मैंने WhatsApp में आपके इसमें डाल दिया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. बस अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो 4-5 क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, और आप WhatsApp से खोल के देख लीजिएगा मेरी राइटिंग, उसमें अच्छे से समझ में आएगा. क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो ब्लॉक लेटर्स है वो समझ नहीं पा रहे, मैं समझ रही हूँ, इसलिए आपकी राइटिंग स्पीड कम हो गई है. सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 पेज डेली बेटा, इससे आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी और स्पीड भी रहेगा, ठीक है. एग्जाम में आपका रिटर्न स्पीड रहना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, ठीक. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू लेसन हल्दीज एडवेंचर, अगर किसी को भी डाउट है एक एक करके पूछना, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ माइक ऑन नहीं करना है. मैं यहाँ से पूछ रही हूँ आदित्य. आदित्य बेटा आपको कोई डाउट है ओपन करके बोल सकते हैं. नो मैम. नो, ओके. आरव, समत, लोदी, सायरा, कोई डाउट है बेटा लेसन जो समझ में नहीं आया जो भी है, ठीक है. अभी क्वेश्चन हम डालेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को. दक्ष, यस मैम. हाँ, आपको कोई डाउट है बेटा? नो मैम. नहीं. दिव्यांशी, चलो मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, लेकिन आप. हाँ दिव्यांशी, कोई डाउट है दिव्यांशी? नो. नो. जति, सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठेंगे, ठीक है. जति, कोई डाउट? दिव्यांशी आप बात करके ऑफ कर दीजिए. आप जोर से मत, जति थोड़ा धीरे से बोलो, प्यार से बोलो माइक में. डाउट नहीं है. आराम से बोलो बेटा. डाउट नहीं आया समझ में? जति जैन, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया. यस और नो? आप माइक को एकदम मुंह पे रख के नहीं बोलो, थोड़ा सा ऐसे बोलो, थोड़ा धीरे, थोड़ा सा दूर रख के बोलो. हाँ, क्योंकि माइक में ना आवाज एकदम ब्लर हो रहा, ब्लर मिक्स हो रहा है आवाज में. यस और नो, चलो चैट बॉक्स में डाल दो यस और नो, ठीक है. कनिष्का,
कनिष्का बेटा? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। अच्छा ठीक है। पूर्वाश को कनिका क्या अच्छी? कनिका को है कोई डाउट हल्दी एडवेंचर में? नो मैम। कियाशी, मैं एक एक को पूछ रही हूँ, बाद में नहीं बोलना कि मैडम ने पूछा ही नहीं हमसे। नो मैम। नहीं, अच्छा। कृतिका, माइक ऑफ। हाँ हाँ, क्या बोला आपको? मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ हल्दी एडवेंचर समझ में आया, बस इतना ही बोलो। मैम उसमें आ गया तो समझ नहीं आ रहा सिंपल कितने चैप्टर्स आएंगे। अच्छा आपको हल्दी एडवेंचर समझ में आया क्या? यस मैम। बस इतना ही बोलो अभी। अभी हम आपको सिलेबस मिल जाएगा ना? सिलेबस मिलेगा ना, वो ऑफिशियली मिलेगा अभी, ठीक है? ओजस, ओजस आपको कोई डाउट है तो? यस मैम। क्या डाउट है? मैम एडवेंचर का मतलब क्या होता है? किसका? एडवेंचर का मतलब क्या होता है? एडवेंचर का मतलब है हम कुछ वंडरफुल काम करते हैं, जैसे कुछ हमने कुछ किया नहीं है लेकिन हमने उसको कर लिया, ठीक है? जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप माउंटेन तो देखे हैं लेकिन आपने कभी चढ़ा नहीं, ठीक है? अब अगर आप माउंटेन में चढ़ के जाते हो, क्लाइंब करते हो, दैट इज वन एडवेंचर, ठीक है? अब आया समझ में? यस मैम। या फिर आपने अपने लाइफ में कुछ अलग चीज किया हो? हाँ रिसर्च। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने कार ड्राइविंग करके आप क्या बोलते हैं लद्दाख तक चले गए, ये भी आपके लाइफ में एक एडवेंचर, ठीक है? कुछ नया चीज करना, रिसर्च, हाँ ये बात सही, रिसर्च करना वो भी एक एडवेंचर, रिसर्च करना, ठीक है? ओजस, यस, राइट, यस मैम। प्रद्योत, प्रद्योत डू यू, यस, आपको कोई डाउट है बेटा? आई डोंट नो एनी डाउट। आई डोंट हैव एनी डाउट, बोलो। आई डोंट हैव एनी डाउट। ओके थैंक यू सो मच। ओके रितेश, डू यू हैव एनी डाउट? नो मैम। नो। समर्थ लोधी? नो। नो ओके ऑफ द माइक। शिवांश राठी? Do you have any doubt? No. No. Surya Pratap Singh? I am asking you one by one because I have to move to the next class, means next lesson. For that, Surya Pratap, do you have any doubt? Tell me. No doubt. No doubt. Yashi Jain? No. No. Yoganshi? No, ma'am. Okay, it will be proved when I ask questions from this PPT, okay? From the, I left one, Ashray, you joined late, so do you have any doubt, Ashray? No. No. Okay. So you don't have any doubt, but I'm going to give you some question. Only this is discussion. Okay.
I have sent the questions, these questions in your WhatsApp. You sit and think and write, okay? I am showing this one PPT questions. Can you see the questions, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see the questions. Yes. Yes, ma'am. Okay. Don't shout, beta. It's recording. Now see, answer these questions. Where was Haldi going? 19 to 20 participants are there in the class. I ask Aro Kushwa, where was Haldi going? Who will answer? Samar Lodi, open your mic and answer. Can you hear me, beta? Batai. Haan. Purvansh, where was Haldi going? I'm Haldi going to school. See, where is was? Haldi was going to school. Yes, Haldi was going to school. All of you, listen. Haldi was going. Where was Haldi going? So this will come to first part. Where was Haldi going? Haldi kahan ja rahi thi? Haldi was going where? To school. The answer is to school. But when we write in sentence, Haldi was going to school. Now, the second question is, how many days are there in a week? How many days are there in a week? 1 week means 7 days. 1 week means 7 days. Name them. That is, the first day is, working day is Monday, but it starts from Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Again, it comes Sunday, Monday, like that. So, after 4 weeks, we get a month. Okay. Now, have you understood, all of you? Samarth, Kianshi, Kanishka, माइक ओपन करके यस बोलो या नो बोलो, जो भी बोलना है. समझ में आया? हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक? देयर आर 7 days इन ए वीक. नेम देम. नेम देम. नेम देम मतलब उनके. हाँ, 7 days ऐसा लिखना है. देयर आर 7 days इन ए वीक. नेम देम बोलने से दे आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, Friday, Saturday. Okay. Now come to the. हाँ. ये लिखना है. हाँ, ये अभी आपको कॉपी में लिखना है. इसको अभी नहीं लिखना. ये मैं डिस्कस कर रही हूँ.
आपके व्हाट्सएप में मैंने डाल दिया है. आई हैव सेंड द सेंड दिस क्वेश्चंस इन योर व्हाट्सएप. ओके यू कैन सी फ्रॉम देयर दिस इज वी आर डिस्कसिंग. ओके हाँ व्हाट डू यू वियर टू स्कूल. What do you wear to school? School में क्या पहन के जाते हो? Uniform. So sentence में how will you say? You question में you पूछा है तो आप हमको I से answer देना. I wear school uniform. I wear. What do you wear to school? I wear. स्कूल यूनिफॉर्म. ठीक है अंडरस्टूड. यूनिफॉर्म का स्पेलिंग UNIFORM फॉर्म यूनिफॉर्म. ठीक है आर वहां साइलेंट है. कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म आर लिखा है ना इसलिए साउंड को भी साथ में पढ़ना लेकिन यहां हमको यूनिफॉर्म पढ़ना है. आर वहां साइलेंट है यूनिफॉर्म. Name some animals that you have seen on the way to school. जैसे हल्दी ने स्कूल जाते समय उसने एक जिराफ देखा रास्ते में ऐसे आप लोग स्कूल आते समय क्या क्या देखते हो. Any four इसमें birds भी हो सकता है. ठीक है रास्ते में आते समय आप कौन कौन से जानवर को देखते हैं. ठीक ओनली फोर नेम्स आपको लिखना है. अभी मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करूंगी फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है व्हाट डू यू. अच्छा फोर नेम्स क्या क्या हो सकते हैं आप सोच के रखना इसका अभी क्वेश्चन पूछूंगी. हाँ माइक थोड़ा सा धीरे. हाँ ठीक है मैं अभी पूछूंगी. ये मैंने स्क्रीन इसलिए शेयर किया कि ये हमारे पास फोर क्वेश्चंस है रिलेटेड टू यूनिट टू. दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस बेटा. क्वेश्चंस आपके पास इतने हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से भी आ सकते हैं कुछ. ठीक है व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल. आप स्कूल में क्या क्या सीखते हैं. What do you learn in school? ठीक है जैसे आप लोग सब्जेक्ट्स भी सीखते हैं. सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट में मैथ्स आता है लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी आता है एंड और भी कुछ गेम्स में क्या क्या करते हैं. म्यूजिक सीखते हैं. यू लर्न म्यूजिक. हाउ टू how to sing bhajan, how to play this game, ये सब आप learn करते हैं. ठीक है now these are the questions beta. Some noise is coming. Okay. ये पांच क्वेश्चन समझ में आ गए. Where was haldi going? How many days are there in a week? Name them. What do you wear to school? Name some animals that you have seen on the way to school. Any four. What do you learn in school? These are the five questions you have to practice. So I'm stopping this. Ma'am. Yes. Vector number वाले में क्या लिखना है? Ma'am. हाँ. तो नंबर वाले में क्या लिख रहा है. What do you learn in school? ठीक है I have stopped sharing बेटा.
So now I have come to the screen. Now, अब मैं फिर से क्वेश्चन गतिक अपना माइक ऑफ करो. आप हमेशा ऑन करके रखते हो फिर साउंड ये होता है. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेयर वॉज हल्दी गोइंग. ठीक है, ये अब इसमें से आंसर कौन देगा? आरव खुशवा ने दिया था. आदित्य साहू वेयर वॉज हल्दी गोइंग? वॉस कहाँ गया? हल्दी वॉस गोइंग टू स्कूल. यस. दक्षराज, दक्षराज वेयर वॉस हल्दी गोइंग? फिर वैसी गलती, हल्दी वॉस गोइंग. क्वेश्चन में वॉस पूछा है तो वो आएगा वहां पे, वॉस आना ही है. ईज पूछा है तो ईज आएगा. ठीक है, वेयर वॉज हल्दी गोइंग. अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है वेयर इज हल्दी गोइंग तो हल्दी इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, जब हमने वॉस पूछा है तो आपके आंसर में वॉस आएगा. हल्दी वॉज गोइंग वेयर टू स्कूल. बस ये है ना, ये जो थोड़ा सा आपको भी सीखना पड़ेगा इसको, सिंपल क्वेश्चन का आंसर्स कैसे. क्वेश्चन में ही आधा आंसर है. ठीक है, मैं और किसी से पूछती हूँ. जो प्रनिल, प्रनिल आप जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी आप प्रेजेंट थे. क्वेश्चंस व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द क्वेश्चंस वर यू देयर इन द क्लास? आपकी तबीयत ठीक है अभी? पहले बताओ. हाँ अभी थोड़ा सा ठीक है. अच्छा ठीक है. मैं जब स्क्रीन शेयर कर रही थी आप देख रहे थे? मैं जब अभी स्क्रीन शेयर कर रही थी क्वेश्चन के तो आप देख रहे थे? अच्छा ठीक है. आप? हाँ देख रहा था. तो फर्स्ट क्वेश्चन था वेयर वॉज हल्दी गोइंग, आंसर दीजिए. हल्दी वॉज गोइंग, हल्दी हल्दी हेल्दी हेल्दी एच ए एल हल डी आई. मैम मैं बताऊं? आपसे नहीं पूछा ना बेटा अभी, रुको. हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल. ठीक है. शिवांश राठी वेयर वॉज हल्दी गोइंग? मैम स्कूल. अच्छा, वन वर्ड में नहीं, आपको सेंटेंस में बोलना. यू हैव टू स्पीक इन सेंटेंस. शॉर्ट आंसर्स देखे ना आप लोग, शॉर्ट आंसर ही लिखने सीख गए. मैंने पहले भी लिख लिया था. हाँ ओके ओके. हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, शिवांश ऐसा लिखना है. ठीक है, समझ गए? अगर हम पूछते हैं write the answer in one word or phrase, then only you write like this, to school, khatam. ठीक है, second question में आते हैं. How many days are there in a week? मैं कियांशी बोलिए. कियांशी हाँ, how many days are there in a week? One week. Seven days. हाँ. So how will you say this answer? I will tell you. There are बोलो. There are seven days in a week. There are 7 days in a week. जब name पूछते हैं name. क्वेश्चन में भी पूछा है नेम देम, तो उसके नाम लिखने हैं. ठीक है, कनिष्का यादव
कैसे माइक ऑफ करो क्या कनिष्का हाँ नेम द डेज ऑफ द वीक नेम द डेज ऑफ द वीक कहाँ से शुरू करेंगे नेम द मैम मैं बोल name of the days week नहीं है days एक एक day होता है ना seven days बोला है तो seven days का नाम क्या है सोच के बोलना अभी मैं फिर वापस आऊँ कर्णिका हाँ कर्णिका बोलो अभी कर्णिका name of the days Seven. No, you have to name the days. Days के नाम बोलो बेटा आप लोग रोज आज कौन सा डे है कल कौन सा डे है हाँ ऐसा बोलो संडे हाँ कल संडे था टुडे इज Monday. Tomorrow is? Tomorrow. Monday. Tuesday. After that? Tuesday. After that? After Tuesday? You have learned in maths also, beta. Okay. All the things. Wednesday. Then? After Wednesday? What will come after Wednesday? हाँ थर्सडे देन फ्राइडे देन सैटरडे सैटरडे वेरी गुड अगेन द रोटेशन विल कम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ओके दीज आर द सेवन डेज नेम्स ऑफ द सेवन डेज ऑफ द वीक दीज आर नाउन ऑल्सो ग्रामर में हमने नाउन पढ़ा था ये नेम ऑफ द डेज भी नाउन है ठीक है नेमिंग वर्ड है जैसे मंथ का नाम है आपका नाम है आपके फ्रेंड्स का नाम है ये नाउन भी है नाउन नेमिंग वर्ड है ठीक है आए समझ में प्रणीम प्रद्योत हैव यू अंडरस्टूड प्रद्योत ओपन योर माइक प्रद्योत नो ओजस यस मैम हैव यू अंडरस्टूड यस मैम डेज ऑफ द वीक समझ में आया यस मैम ओके अच्छा इसमें सभी मैं किसको बोलूंगी सूर्य प्रताप सिंह ऑन द माइक ओपन योर माइक यस बेटा माइक ऑन करो डेज नेम ऑफ द डे समझ में आ गया यस नाम बताओ टेल द नेम ऑफ द वीक डे हाँ वेरी गुड ओके नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल आप स्कूल में क्या पहन कर जाते हो यूनिफॉर्म व्हाट डू यू वियर यूनिफॉर्म ओके यू वियर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का स्पेलिंग
आदित्य साहू यस मैम। हाँ, यूनिफॉर्म का स्पेलिंग, यूनिफॉर्म का स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म यूनी के लिए स्पेलिंग क्या होगा? यूनिफॉर्म एन यू एन आई यूनी एफ ओ आर फॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब जैसे सबका ड्रेस एक जैसा, ठीक है, सबके ड्रेस एक जैसे, जैसे आपने देखा होगा आर्मी में सब एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म रखते, किसी में कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा पुलिस में, पुलिस मैन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म इन स्काउट एंड गाइड। जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तभी भी कभी कभी यूनिफॉर्म्स करते हैं ना, यूनिफॉर्म, ठीक है। ये पूर्वांश, पूर्वांश लेफ्ट हो गया था क्या? यस मैम। अच्छा, तो एक बार देख, आप थे ना पहले, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये यूनिफॉर्म की स्पेलिंग सबको समझ में आ गया? यू एन आई एफ ओ आर एम, अगर किसी को नहीं आता कहीं लिख के रख लो, जब आंसर लिखोगे उसका स्पेलिंग लिखना। मैम अगर पहले से भी लिख रखा होगा तो अभी अभी नहीं लिखना। अच्छा अच्छा, बाद में लिख लेना। Name some animals that you have seen on the way to school. चलो, रास्ते से आप आते समय कौन कौन से जानवर को देखते हैं, है ना? फोर जानवर। शेर को तो नहीं देखते हो ना? शेर को देखते हो क्या? जो शेर तो पहले से ही, टाइगर तो पहले से ही जू में रहते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से जानवर? मैंने जब रावगढ़ जाते हैं तो बहुत सारे डोंकीज दिखते हैं, पिग दिखते हैं, हाँ? और क्या देखते हैं? हॉर्स भी देखते हैं, हॉर्स भी देखते हैं रास्ते में। और कौन से जानवर वो देखते हैं? मैम मैम एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट देखते हैं कभी कभी। मैम, मैंने एक ज़ू में बहुत बड़ा व्हाइट टाइगर देखा है रास्ते में। देखा? नहीं। ऑन द वे टू स्कूल पूछा मैंने। आप रास्ते से आते समय, हाँ, कौ देखते हो? गोट भी देखते हैं, गोट भी देखते हैं कि नहीं? शीप भी देखते हैं कभी कभी, कभी कभी कैमल भी दिखते हैं हमको। चलो, ये आपके ऊपर है, आपको यू हैव टू राइट फोर आंसर्स, सॉरी फोर, ओनली फोर नेम्स यू हैव टू गिव। इफ यू कैन गिव मोर यू कैन राइट, ओके। अच्छा, ना नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल? स्कूल में आप क्या पढ़ते हो, क्या क्या सीखते हो, ठीक है? आप क्या क्या सीखते हैं? मैम प्लस माइनस सीखते हैं। हाँ, तो प्लस माइनस सीखते हैं तो वो क्या चलते है? हाँ, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। और हम रीड करते हैं, रीड करते हैं, रीडिंग करने सीखते हैं, राइट करते हैं, राइटिंग सीखते हैं, हाउ टू राइट इट, और प्ले करते हैं हम। अच्छा, से पढ़ाई पढ़ाई करते हैं क्या? प्ले भी करते हैं।
अच्छा प्ले भी करते हैं, और कुछ करते हो? ड्रॉइंग सीखते हैं, क्राफ्ट वर्क सीखते हैं, हाँ और क्या करते हैं, कलरिंग सीखते हैं, यू लर्न कलरिंग आल्सो, पीटी करते हैं, पीटी नहीं बोलते हैं उसका एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज, वी लर्न हाउ टू डू दिस एक्सरसाइजेस, योगा भी सीखते हैं, योगा भी करते हैं हम लोग, यस, देन व्हाट एल्स, म्यूजिक नहीं सीखते हैं आप लोग, म्यूजिक में क्या सीखते हो, भजन, भजन, स्कूल में और भी सीखते हैं कुछ, बताओ जल्दी, ड्राइंग हो गया ना, और कुछ बोलो, डांस सीखते हैं, वेरी गुड, so you learn so many things, you learn so many things, what are the things you learn, you write, okay, आप क्या क्या सीखते हैं वो सब लिखिए, ठीक है, हाँ बता दिए ना, डांस सीखते हैं, हाँ हाँ बोलो, मैं बताऊँ, हाँ बताओ, English, हाँ क्राफ्ट वर्क भी सीखते हैं, फिर ओके, सो दीज आर द थिंग्स, बहुत सारे बच्चे okay, so have you understood all the things, if you have any doubt in any question you can ask, ye jo maine 5 question discuss kiye the isme kisi ko koi doubt hai, any doubt, no you ma'am. Can ask, huh? No, if you ma'am. Have any doubt please ask me. Understood all of you, yes ma'am. Ritesh aapko koi doubt hai, aap log mic on mat करके रखो बेटा, ये है ना इसीलिए इसमें पूरा डिस्टरबेंस नॉइसी नॉइसी आ रहा है, रितेश और सूर्य प्रताप जब आपको माइक ऑफ करो, उसमें दो तीन ऑप्शन है, माइक ऑफ और कैमरा ऑन वाला, ठीक है ना, अच्छा मैं एक बच्चे को अभी पूछती हूँ, है कि नहीं है इसमें, योगांशी कहाँ चली गई, योगांशी लेफ्ट हो गई क्या, योगांशी नहीं दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, योगांशी दिख रही, हाँ हाँ बोलो, यू है ना, कौन है, गतिक है क्या, आदित्य साहू, हाँ ये भी कैमरा भी ऑन करो बेटा, कैमरा भी ऑन, कैमरा तो ऑन नहीं है, आप कैमरा ऑन करो तब तो मैं देख लूंगी आपको, ऑन है फिर आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे, मैम हाँ बोलो, हाँ क्या बोला, आंसर आपको लिखना है ना बेटा, मैम स्पेलिंग गलत हो जाएगी, हाँ अब सब दिख रहा है मुझे, ठीक है ओके ओके, अब मैं सब, हाँ ठीक अब सब दिख रहे हैं, इनेबल कर दिया ओके, हाँ आप देख रहे हो सबको, हाँ बोलो, मैम स्पेलिंग गलती, क्या बोल रहे हो बेटा,
स्पेलिंग्स की गलती हो जाएगी। नहीं कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, अब करो करो ना। हाँ ठीक है प्रणव, नहीं प्रणिल मैं दिख रही हूँ आपको, मैं आपको दिख रही हूँ? Yes, sir. अच्छा कोई डाउट है? एनी डाउट? No. नहीं अच्छा अब ये सारे बच्चे मुझे जो जो दिख रहे हैं ना, आपको एक पेज इंग्लिश का लिखना है, यू हैव टू राइट वन पेज, ओके एक पेज रोज लिखना है ताकि आपको अभी टेस्ट होगा तो उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। तो टू पेज लिखता हूँ। टू पेज की जरूरत नहीं, एक पेज ही लिख लो बहुत है, ठीक है एक पेज अच्छा से लिख लो बहुत है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, योगांशी जैन अभी ज्वाइन करिए, यशी जैन, यशी जैन, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को देख पा रहे हो? देख रहे हो आप लोग अपने फ्रेंड्स को? Yes, हाँ तो ये अगर यूनिफॉर्म में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कृतिका बैठी है, पूर्वांश बैठा है, यूनिफॉर्म पहनी है, आदित्य बैठा है, हाँ आप लोग ना टी शर्ट है ना जो वेनसडे वाला वो पहन के बैठ जाओ, ठीक है वेनसडे वाला जो स्कूल हाउस यूनिफॉर्म है ना वो पहन के बैठ जाओ, स्कूल यूनिफॉर्म यही पहनना जरूरी नहीं है, ठीक है वो टी शर्ट पहन लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कलरफुल, ठीक। ओजस 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 ठीक है, वो जस्ट तो लेफ्ट ही कर दिया, ओके दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, मैं आपको और भी देते रहूंगी, ठीक है ओके फिर से कोई लग ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, वी विल हैव शांति पाठ, सो ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, माइक ऑन कर सकते हैं सब, माइक ऑन कर लीजिए, ओके वेट वेट I remember, bye bye man. I remember, bye bye man. I remember, bye bye man.